हे गाइस वेलकम बैक. आज हम देखेंगे कि 6 क्यूट और क्रिएटिव हेयर स्टाइल बहुत ही इजी वे में कैसे बना सकते हैं. तो हमारी फर्स्ट हेयर स्टाइल है कुछ इस तरह की, जिसमें पफ और ओपन हेयर. इसके लिए आपको फ्रंट से कुछ हेयर्स निकालने हैं अपने आईब्रो के साइड के, इधर से दोनों तरफ से, और पीछे के बालों को टाई अप कर लेना. अब इन बालों को कॉम करके ऊपर, जैसा कि एक नॉर्मल पफ बनाते हैं उस तरह से इन बालों को ऊपर ले जाना है और क्लिप से, टिकटॉक क्लिप से अटैच कर देना. अब थोड़ा सा हेयर स्प्रे, ये लेवन का स्प्रे है, इसे मैंने स्प्रे कर दिया जो कि 150 रुपये में अवेलेबल है. उस थोड़ी देर बाद आपके बाल एकदम सेट हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा पफ बना है, और इस तरह से आप खुले रख सकते हैं. हेयर स्टाइल नंबर 2, इन्हीं बालों में आप एक पोनी बना के अपने डेली रूटीन के लिए कॉलेज, स्कूल, ऑफिस में इसे ट्राई कर सकते हैं, है ना ये सिंपल. हेयर स्टाइल नंबर 3, इसमें आपको उन्हीं पफ वाले हेयर में एक हाफ पोनी बनानी है. इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों ईयर के साइड से कुछ बालों को लेना है और कॉम से सेपरेट करके लगाना है एक हेयर बैंड. थोड़ा से स्मूथली कर सकते हैं अगर ध्यान से करें तो, और लगाना एक हेयर बैंड, और इस तरह से होती है हमारी ये वाली क्यूट सबसे प्यारी हेयर स्टाइल तैयार. जैसे अगर आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कहीं भी, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं हैंग आउट वगैरह के लिए, कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं. हेयरस्टाइल नंबर 4, इसी हेयर स्टाइल को थोड़ा सा डिफरेंट लुक या कूल लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा रबर लेके उसको लगा देंगे और उसके साइड में एक बन बना देंगे, ताकि ये एक बड़ा सा बन दिखे. अगर आपके बाल वॉल्यूम ही नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी बन बना सकते हैं. हेयरस्टाइल नंबर 5, अभी जैसे कि बहुत से लोगों के पफ जल्दी बनता नहीं है, तो या फिर उनको हमेशा रेगुलर नहीं बनाते तो उनके प्रॉब्लम होती है, तो ये वाली 2 हेयर स्टाइल उन लोगों के लिए. आपको बस एक सिंपल सी पोनी बनानी है और आगे हेयर्स को निकाल देना है, ताकि आपकी हेयर स्टाइल सिंपल भी हो और सिंपल ना भी लगे, ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे. अब हेयर बालों को सेपरेट करके इस तरह से भी एक लुक दे सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा और क्यूट लुक लगेगा. हेयर स्टाइल नंबर सिक्स में कुछ नहीं करना, जो आपने अभी बालों को 2 पार्ट्स में सेपरेट किया था उन्हीं से बन बनाना है. आधे बालों को इस साइड टर्न आउट करके और आधे बालों को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न आउट करके बन बनाना है, और हो जाती है आपकी हेयर स्टाइल तैयार. तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कौन सी हेयर स्टाइल सबसे अच्छी लगी, और अगर इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना.